शहर की दो विधानसभा सीटें उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें उज्जैन दक्षिण से चेतन प्रेम नारायण यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। महाकाल दर्शन करने के लिए चेतन प्रेम नारायण यादव उज्जैन पहुंचे। यहाँ उन्होंने महाकाल दर्शन के बाद संत बालीनाथ महाराज और श्री गणेश के दर्शन किए। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शहीद पार्क पर होकर गणेश मंदिर पर एकत्रित हुए और कांग्रेस नेता चेतन यादव का स्वागत समारोह किया। स्वागत समारोह के बाद चेतन यादव ने कहा, भाजपा के भ्रष्ट घोटालेबाज सरकार को बदलना है और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। मंत्री तो टेम्परेरी रहते हैं और बदलते रहते हैं। जी, आज टिकट का फाइनल नहीं है। टिकट की जगह जनता उज्जैन शहर की जो व्यर्थ थी, परेशान थी, भ्रष्टाचार से डर रही थी, गुंडागर्दी से, यहाँ जो बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उन सब मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने चयनित करके जनता के बीच में भेजा है। और ये दोनों हाथ जोड़ के विनती की है कमलनाथ जी ने कि इंसाफ करिए, भ्रष्टाचारियों की सरकार, गुंडों की सरकार को पलट डालिए, शिवराज को इस जड़ से उखाड़ के फेंकिए, उज्जैन शहर को शांत, खूबसूरत और धार्मिक नगर बनाना है, हम सबको साथ चलना है।